एक लाइन सुना रहे हम, क्योंकि आपको आदेश से हम सुना रहे हैं। पूजनीय चंचल दादाजी की रचना है और पूजनीय पटेल जी से आपने सुनी हुई है लाइन। जब भगवान कन्हैया कर्ण से बोले कि कर्ण आज हमारी इच्छा है कि तुम कुछ मांग लो, कर्ण ने कहा महाराज आपको मालूम है, संसार जानता है कि मैंने आज तक दान दिया ही दिया है और मांगने की मुझे आदत नहीं है महाराज, लेकिन आप कह रहे हैं, त्रिलोकीनाथ कह रहे हैं, हमारा सौभाग्य है, तो चलो भगवान हम मांगते हैं कुछ। बहुत प्यारी और लाजवाब रचना है स्वर्गीय श्री चंचल दादाजी की। कि मैंने जिंदगी गुजारी प्रभु दान करते करते, अब मांग मांगता हूं भगवान मरते मरते, अब मांग मांगता हूं भगवान मरते मरते। आप कह रहे हैं महाराज भगवान मांगो मांगो, मांगने की आदत नहीं है लेकिन आपका आदेश है, और फिर आज इतना अच्छा सौभाग्य है, किस्मत है कि आज भगवान साक्षात मांगने के लिए कह रहे हैं। बहुत अच्छी बात कही कर्ण ने कि महाराज मैंने जिंदगी गुजारी प्रभु दान करते करते, अब मांग मांगता हूं भगवान मरते मरते, अब मांग मांगता हूं भगवान मरते। पवन कैसेट पठा टीकमगढ़ के माध्यम से आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं। जहाँ लाश ना जली हो मेरी लाश को जला, क्या बात क्या कर्ण ने मांगा कि भगवान आप कह रहे हैं कि मांगो, हम मांग रहे हैं कि भगवान जहां धरती पे किसी की लाश ना जली हो वहां मेरी लाश को जला दे। वाह, जड़ता जड़त हो भूले तो भूले भी भूल जाना, तो जहां लाश ना जली हो मेरी लाश को जला, जहां लाश ना। मैं बार बार मांगू पर दान मरते मरते,
यहाँ भीष्म सो भसम है, यहाँ भीष्म सो भसम है, इस भूमि पे मुरारी दुर्योधन हजार जल गए, हे बापुरे बिहारी फिर कर्ण की क्या गिनती करने मांगा। अब भगवान के सामने समस्या आई, भगवान ने ध्यान लगाकर देखा तो पूरी पृथ्वी पर एक सुई की नोक के बराबर जगह नहीं थी जहां कर्ण को जलाया जाए, सारी जगह कोई ना कोई जल चुका था। आखिरी बात सुने, ऐसा मुने समस्या है जब कन्हाई, कहा था कि मांगो, कर्ण ने मांग लिया, पूरा तो करना है। ऐसा मुने समस्या देखी है जब कन्हाई, चिंता थी एक चित में चिता हाथ पे बनाई, बात निभाना है, चिंता थी एक चित में चिता हाथ पे बनाई, फिर कर्ण की बोलास अपने हाथ पे जला। फिर कर्ण की बोलास अपने हाथ पे जला, चंचल थके ना अब तक प्रभु गान करते करते, अब मांग मांगता भगवान अब मांग। मैंने जिंदगी गुजारी
करते अब मांग मांगता हूँ।